नेपाल की वुमेन टीम क्या अभी भी सेमीफाइनल खेल सकती है? नेपाल वुमेन वर्सेस पाकिस्तान वुमेन का कल मैच हुआ था, जहां पे पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम जीत गई। नेपाल वुमेन क्रिकेट टीम पहली बार आप कह सकते हो फ्लडलाइट में खेल रही थी, जहां पे उनको एक्सपीरियंस नहीं था और जिसके वजह से यहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी जो थे उनको खेलने में दिक्कतें हुई। और मैं हमेशा से कहते आया हूँ आपको कि नेपाल में एक फ्लडलाइट की बहुत ज्यादा जरूरत है, प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा जरूरत है, अंडर द लाइट खेलना आपको वो एक्सपीरियंस नहीं है। और यही चीजें वर्ल्ड कप में भी देखने को मिली थी और कल भी एशिया कप में देखने को मिली। खैर जो भी है, यहाँ पे अब नेपाल वुमेन क्रिकेट टीम तो मैच हार चुकी है कल का, अभी भी जो है 2 पॉइंट के साथ नेपाल वुमेन क्रिकेट टीम तीसरे नंबर पे है। नेट रन रेट जो है थोड़ा बहुत कम हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। पाकिस्तान के पास भी 2 पॉइंट है, नेपाल के पास भी 2 पॉइंट है और यूएई जो है 0 पॉइंट के साथ है। इंडिया सेमीफाइनल के लिए ऑलमोस्ट जा चुकी है। तो यहाँ पे सवाल अभी जो है बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या नेपाल की वुमेन क्रिकेट टीम अभी भी जो है अभी भी वो जा सकती है सेमीफाइनल में? देखिए ऑब्वियसली जा सकती है, क्योंकि आप सबको पता है नेपाल वुमेन वर्सेस इंडिया वुमेन का मैच होने वाला है कल। बाई चांस, गुड लक के हिसाब से मैं कह रहा हूं, अगर कुछ भी ऐसा होता है, देखो नथिंग इज इम्पॉसिबल, मैं एक सेफ साइड लेके कह रहा हूं, अगर मान लो बाई चांस नेपाल वुमेन क्रिकेट टीम ने इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम को हरा दिया ना, तब तो नेपाल वुमेन क्रिकेट टीम को सीधा यहाँ पे क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। हालांकि नेट रन रेट अच्छे करने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और यूएई का मैच भी है, और अगर पाकिस्तान यूएई से जीत जाते तो उनके 4 पॉइंट हो जाएंगे। और अगर बाई चांस रेयरली मैं कह रहा हूँ या फिर एज अ सेफ साइड मैं कह रहा हूँ, देखो आप कभी कुछ नहीं कह सकते, ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, कभी भी क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है और T20 ऐसा फॉर्मेट है कि कुछ भी हो सकता है। तो मान लो नेपाल ने इंडिया को हरा भी दिया तो नेपाल के पास भी 4 पॉइंट, पाकिस्तान वुमेन के क्रिकेट टीम के पास भी 4 पॉइंट। अब बात आ जाएगी फिर नेट रन रेट पे, नेट रन रेट पे बात आ जाएगी, जो कि मैं पहले भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि नेट रन रेट में नेपाल को कल ध्यान देना चाहिए था, बहुत ही ज्यादा नेट रन रेट जो है गिर चुकी है। तो देखो सेमीफाइनल में अभी पहुंचा जा सकता है, उसके लिए रेयरली केस मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान को यूएई से हारना पड़ेगा, इंडिया से नेपाल को जीतना होगा, समझ रहे हो? और अगर नेपाल जीत जाती है इंडिया से तो 4 पॉइंट हो जाएंगे, इंडिया के पास ऑलरेडी 4 पॉइंट है, नेपाल इंडिया जो है क्वालिफाई हो जाएगी अगर पाकिस्तान यूएई से हार जाती है तो। अगर नेपाल इंडिया से जीत जाती है 4 पॉइंट के साथ और पाकिस्तान यूएई से जीत जाती है 4 पॉइंट के साथ, फिर जो हो जाएगी तो वो बात आ जाएगी नेट रन रेट पे। नेट रन रेट यहाँ पे पाकिस्तान का अभी प्लस में है, नेपाल का माइनस में है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नेपाल क्रिकेट टीम को अगर इंडिया से जीतती है तो नेट रन रेट में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया का नेट रन रेट बहुत ज्यादा अच्छा है, समझ रहे हो? तो ये आप कह सकते हो सिनेरियो अभी जो है बना हुआ है, और अभी भी आप कह सकते हो चांसेस है नेपाल का सेमीफाइनल में जाने के लिए। हालांकि इंडिया के अगेंस्ट अगर आपको खेलना है तो जीत और मेहनत करनी पड़ेगी। और देखो एज अ इंडियन हम भी चाहते हैं यार नेपाल क्रिकेट टीम इंडिया जैसी टीमों को हराए, पाकिस्तान जैसी टीमों को हराए। और कल देखो, कल कहीं ना कहीं बॉलिंग में भी दिक्कतें हुई, बॉलिंग ने निराश किया, विकेटें नहीं मिल रही थी, फुल टॉस डाली जा रही थी जिसपे छक्के चौके लग रहे थे, वो कमियां हुई, फील्डिंग में गलतियां हुई, बैटिंग में नेपाल की तरफ से गलतियां हुई। हालांकि फ्लडलाइट के अंदर खेलने का एक्सपीरियंस नहीं था खिलाड़ियों को, वो भी एक फैक्टर है। खैर जो भी है, लेकिन अब ये यहाँ पे इतना भाई डिबेट करने वाला माहौल नहीं है, इससे आगे बढ़ना है कल के मैच पे। कल के मैच के लिए आज खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लान के साथ, कल नेपाल वुमेन क्रिकेट टीम को उतरना पड़ेगा इंडिया के अगेंस्ट। और आप सबको पता है कि इंडियन क्रिकेट टीम एक स्ट्रॉन्ग साइड टीम है, तो उनको हराने के लिए आपको अच्छा खासा टारगेट जो है बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडियन क्रिकेट टीम ने मतलब टारगेट चेज कर लिया था, यूएई के अगेंस्ट 200 प्लस रन दिया था। तो कहीं ना कहीं नेपाल को अगर इंडिया को हराना है तो वो 170-175 वाला माइंडसेट रख के खेलना पड़ेगा। मैंने कल भी कहा था अगर आप पाकिस्तान को हराते हो तो 140-145 वाला माइंडसेट रखो, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम फंसती है लास्ट में जाके। और कल वो आप देखा विकेट मिलना स्टार्ट हुआ लास्ट में जाके, 103-2 या 103 रन था तब जाके पाकिस्तान की एक विकेट गिरी, समझ रहे हो? ऐसा है। तो अब देखो क्या होता है कल, वो तो भगवान ही जाने। मतलब मैं तो चाहता हूँ नेपाल क्रिकेट टीम जीते, इंडिया को हराए और यहाँ पे सेमीफाइनल का रास्ता, मतलब नेपाल अगर सेमीफाइनल में जाती ना तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी जो है मिलती, क्योंकि इंडिया नेपाल और फिर जो है बाकी दो जो दूसरी टीम है उनके साथ खेलती। लेकिन अब भगवान की मर्जी थी भाई, क्या कह सकते हो। खैर जो भी है, प्लेयर्स ने कल बहुत अच्छा किया, मैं जोशी के लिए काफी ज्यादा खुश हूँ, कविता जोशी ने कल क्या ही इनिंग खेली, मतलब दिल खुश कर दिया यार। और देखो आने वाले टाइम में नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन को प्लेयर्स के ऊपर थोड़ी और ध्यान देने की जरूरत है, फ्लडलाइट वगैरह लगाने की जरूरत है, जो कि बहुत जल्द जितनी जल्दी हो जाए तो सही रहेगा। बाकी इसको लेकर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जरूरी जानना चाहूंगा।